Hello and welcome to another very very exciting episode of the Maniv Show. I get to learn so much in this, and I am glad that the 2 watch get to For me, I think one of the greatest things that human beings have ever created—two uh, things: one is sports, and one is uh, music. And both uh, distant third be engineering. Aegi, but sports, I think the invention of sport, Allah Taala has made a special thing that we can become तो ऑन द पीपल हु कैन प्रसू स्पोर्ट्स एज अ लाइफ स्टाइल एंड एज अ प्रोफेशन मुझे वो लोग इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज आई फील लाइक देर कमिटमेंट टू देर बॉडी देर माइंड देर सोल इज़ जस्ट अनपैरल वो ना आप आ, हम लोग उनको ना जज करते हैं कि यार वो बंदा ऐसा है वो बंदा वैसा है बट uh, कोई वो बन नहीं सकता जो वो बंदा बन जाता है आज मैं एक अपने दोस्त से बात करूँगा who is one of those paramount ex experience of a human being जिसके बारे में लोगों ने इतनी बातें की हैं uh, इतनी बातें की हैं लेकिन uh, वो बंदा खड़ा हुआ है आज भी uh, because that sportsman spirit जिसको हम कहते हैं ना uh -huh. he is an embodiment of that and which is that thank you so much for being on the show man thank you thank you very much अच्छा एम बात वहीं से शुरू करती है स्पोर्ट्स होता क्या है यार सी जब छोटे थे आ, एक इश्क था प्यार हो गया क्रिकेट के साथ गली मोहल्ले में आ, स्कूल से आना और बस पैड पकड़ना बाहर चले जाना बिल्कुल अनारकली रहते थे आपको पता गलियाँ और हर दूसरा लड़का ही मेरी तरह था बिल्कुल क्रिकेट के शौकीन थे जो तो आठ दस बारह लड़के इकट्ठे हो जाते थे खेलते थे खेलते खेलते, खेलते इतना इन्जॉयमेंट जिस तरह आजकल के बच्चों को गैजेट से है ना मोबाइल फोन से मेरा हम हम लोगों का क्रिकेट से होता था उस टाइम तो मोबाइल पर होते नहीं थे उसके बाद फिर मारे भी खानी पिटाई भी होनी कि छुप छुप के भी चले जाना करते 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 घर वाले भी समझ गए कि हाँ यार ये इसका जिस तरह आप हम लोग ये करते हैं हमारे बच्चों को कि एक टाइम दे देते हैं बेटा ये टाइम है जब आपने बी एस खेलनी है एक्सबॉक्स खेलना है बिल्कुल तो हमें पेरेंट्स वो मान गए और समझ गए कि बेटा ये टाइम है खेलना का? है तो उस पर इतना ऐश कितना लगाव हो गया कि उसके बाद ज़िंदगी में और कुछ करने का दिल नहीं किया और कुछ नहीं किया सारी ज़िंदगी सिर्फ क्रिकेट को ही देखा है और क्रिकेट से यशकुर उससे प्यार किया उसके साथ साथ चीज़ें लगती गई आती गई लेकिन जो फोकस और माइंड था वो सिर्फ क्रिकेट थी गोल्स बदलते गए लेवल्स बदलते गए लेकिन क्रिकेट जो थी वो वहीं पे थी हमेशा से यही क्रिकेट ओके बट वाट इज़ अ स्पोर्ट्समैन एज अ डेफिनेशन आपके लिए क्या होगी कि यार वो कौन से लोग होते हैं जो स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं लाइक like हम सबको शौक होता है स्पोर्ट्स का हर बॉय को हर दुनिया के किसी भी इंसान से आप बात कर लो उसको का शौक अगर आप में एक चीज का स्किल ही नहीं है तो आप किस तरह बन जाएंगे अब मेरे में रग्बी के स्किल्स नहीं है अल्लाह ने नहीं डाले हुए मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूंगा मैं एक लेवल पर ही जाऊँगा सो so, अग मुझे ये शौक था कि मुझे पता था कि मैं एक मेरे पर अल्लाह तला ने स्किल डाले हुए बचपन से ही मैं बाकीयों से अच्छा खेलता था इसलिए मैंने उसको परसू किया तो स्पोर्ट्स मैन तभी इंसान बनता है जब उसको पता होता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं वो nice. गली से ही पता लग जाता है nice. उसको वो अहमियत मिलने लग जाती है बाकियों से ऊपर सो so वो जो इन्जॉयमेंट और वो जो एप्रिसिएशन और वो जो इम्पोर्टेंस जो बचपन से आपको मिलती है ना वो ही आपको स्पोर्ट्स मैन बनाती है नाइस nice. अच्छा स्पोर्ट्स मैन तो आप बन गए यू नो यू वेंट थ्रू योर ग्राइंड एंड वो सारा कुछ पहली दफ़ा जब आपको बताया गया कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा like? yeah, उससे पहले would, were you playing under? So, मेरी मुनी भाई के एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू आए मैं बारह साल का था जब से पी सी के अंडर मैं आ गया अंडर ट्वेल्व खेला पेप्सी क्लिनिक खेला अंडर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन नाइनटीन पे तीन साढ़े तीन साल चार साल टूर्स किए

मुझे पता था बताया गया था कि यहाँ पे मुझे रहने के लिए इन सब बिग बॉयज के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए परफॉर्म करना है यू नेम इट जब हम टीम में गए थे सब बिग बॉयज थे और आपको पता है कि इट्स नॉट इजी टू फिट इन हमारे लाइक किसी भी इंडस्ट्री में यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है यू गॉट टू प्रूव योर मेटल अदरवाइज यू नो ये ऐसी जगह नहीं लाखों लोग खेल रहे हैं तो आप में कुछ होता है तो आप खेलते हो तो हाँ वॉज हैप्पी लेकिन मैं ज़्यादा खुश तब होता था या जब मैं कोई ऐसी करता था जो मुल्क काम आती। सो यही सवाल मैंने करना था कि अब जब आप टीम में आए और टीम में उस वक़्त जो लोग बैठे हुए थे कुंग पुराने पुराने <laughs> बिग <laughs> like so, उन लोगों का आपकी तरफ क्या रुझान था बिकॉज यू नो वैन यू कम इन एंड यू प्ले एट दोजीशन दैट यूर प्ले तो उंगलियां तो बाईस करोड़ की खड़ी हो जाती हैं कि यार ये बनता है बनता है शुरू में तो यू ऑब्वियसली गेट अच्छा जी यूसली गो यूर पुटिंग इन द द ऑन ब्लॉक एंड गिविंग दैट पोजिशन वॉट वॉज द टीम लाइक एट दैट टाइम क्योंकि अब की टीम और उस वक्त की एवरेज एज में बड़ा फर्क है तो आपकी कैसी वेलकम हुई थी वेलकम गुड दो तरह के लोग होते हैं जो क्रिकेट फील्ड में होते हैं एक वो होते हैं जो डोमेस्टिक का ग्राइंड खा के आते हैं जब आप हमारी डोमेस्टिक का वहां पे आपको बहुत ज्यादा पड़ते हैं आपको वो जो है थोड़ी सी आप फूक फूक के कदम रखते हैं फिर एक होता है आपको घर घर में आपके बड़े होते हैं वाल साहब बड़े भाई ये वो आपको गाइड करके भेजते हैं बेटा तू एंज नहीं एंज करना है इस तरह नहीं इस तरह रहना है मैं छोटा सा था और तब से क्रिकेट में घुसाया हुआ था और मैं एक मैं घर हार्डली रहता था तो एक पैटर्न में चलता गया हूँ वहाँ पे मुझे इन चीज और सोशल मीडिया लकीली वहां तब इतना था नहीं बिल्कुल तो मैंने मुझे कभी भी इस चीज़ों का पता नहीं था कि ये मैं मेरा वेलकम कैसे होगा या होना चाहिए या क्यों करेगा कोई नहीं मेरी सिर्फ मतलब आजकल के बच्चे माशा यूरो काफ़ी एडवांस है और वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उस पर नाराज़ भी होते हैं और वो मेक श्योर sure करते हैं कि हर कदम को अपना केयरफुली रखें विच इज रियली गुड लेकिन आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज मुझे अपनी क्रिकेट से प्यार था मैं अपनी क्रिकेट खेलता था मैं अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करता था और आई यू टू डू आई स्टिल इन्जॉय माई लाइफ मैंने कभी परवाह भी नहीं की कि मुनीब भाई मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे अच्छा मैं दे नहीं देनी है मुनीप भाई को क्योंकि अच्छा। बड़े थे सारे और वो सियासत क्या होती है जब उसका पता ही नहीं होता तो आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाता वो तो जब इंसान बड़ा होता है इंसान चीज़ें देखता है आपके अपने साथ चीज़ें होती हैं तब आपका होता है कि अच्छा ये है देन यू चूज एंड डिसाइड कि हाँ यार मैंने इस तरह का बंदा बनना है या मैंने इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं पहले दिन से आया था यू नो उस टाइम मुझे पता नहीं था चीज़ों का अब मुझे पता है लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जो पैथ मैंने अपने लिए चूज किया वही ठीक पैथ है बेशक मुझे मुश्किलें आई हैं बहुत ज़्यादा इस लेकिन दैट इज़ द राइट पैथ No, I think that is the sportsman spirit that we talk about. कि यार आ जाएगी मुश्किल आएंगी देखी जाएगी मतलब मैंने जो डिसाइड कर लिया ना आई थिंक यू नो हम लोग जनरल एवरेज एक इंसान जो होता है ना वो ये करता है कि यार अपने आप को फ़ॉरन से बेशतर डाउट करना शुरू कर देता है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि यार नहीं मैं इसकी आर्ट से गुजारूँगा जैसे आप कह रहे हो कि यू नो आपने एक लोकल ग्राउंड डोमेस्टिक लेवल्स को जो आप खेलते हो सो so, अगेन Uh, आपने एक अपनी डिसीजन ले ली कि यार मैंने ऐसे करना है आपने वो करना शुरू कर दिया अगला सवाल ये आता है कि वेन द परफॉर्मेंस इज स्टार्टिड टू स्लिप अवे फ्रॉम वॉज इट बिकॉज के आपके दिमाग में फियर ज़्यादा आ चुका हुआ था या वॉज इट बिकॉज आपका लव फॉर क्रिकेट जॉब बनना शुरू हो गई थी आई थिंक जो जो फियर वाली बात है आई गो दैट ओके जॉब वॉज नैर लाइक क्रिकेट जॉब मेरे लिए कभी भी नहीं थी क्रिकेट सिर्फ मेरे लिए एक पैशन है एक जुनून है नाम कमाने का मुझे शौक़ है मुल्क के लिए कुछ करने का मुझे शौक है तो पैसे वगैरह तो ठीक है होता है लेकिन कभी नहीं था आई थिंक फेयर आए और फेयर लाए जाते हैं देखिए हर इंडस्ट्री के अपने फ्लॉज हैं बिल्कुल ठीक है आप फैशन से हैं आपको पता होगा कि यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स यू फेस इन योर इंडस्ट्री इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के भी एन वन गॉट टू फेस इट लेकिन उस वो वो जो फेस करने वाला एक आप पे पैसेज आता है ना उस पर दो तरीके आते हैं आपके पास इधर यू चूज दैट रॉन्ग वे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं मैं ज़्यादा चीज़ मतलब क्या क्या बताऊंगा लाइक यू पॉलिशिंग पीपल आप लोगों को प्लीज करने में लुक जाते हैं आप लोगों को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आप जिस तरह लोग आपको बनाना चाहते हैं आप वो बन जाते हैं एक ये पैथ है और इसमें यू कैन ऐड सो मैनी थिंग्स के एक है यार यू जस्ट बी ओके यार दिस इज़ वॉर इट इज उसमें मुश्किलातें बहुत है वन ऑफ दोज मुश्किल ये थी कि उसका एक यू नो इस जिसे कहते हैं टूल ये भी है कि मेंटली आपके साथ खेला जाता है ठीक है और वो जब आप एक लेवल अप हो रहे होते हैं जब आप स्टार बन रहे होते हैं देखिए जिस लेवल पे आप होते हैं आपकी जो एक मुखालफ से लोग आपके अगेंस्ट या बातें करना उतने ही बड़े बड़े लोग आपके गेस्ट हो जाते हैं तो मेरा जब मुझे मिर्च पे मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस जब नीचे आई तो आई वॉज गोइंग लाइक दिस बिल्कुल और वो वो टाइम था कि यू नो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मुझे राइट पीपल नहीं मिले होते जो चाहते मैं परफॉर्मेंसेस करूँ हाँ। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेस मेरी डिफरेंट होनी थी लेकिन वहाँ पे जो मुझे उस लेवल पे जो मैं इतनी मुश्किल से पहुंचा था वहाँ पे इन लोगों ने शायद इसके ऑपोजिट ट्राइज़ की जिसकी वजह से ऑब्वियसली बिकॉज यू नो देर ऑल्सो नॉट वीक पीपल स्ट्रॉन्ग पीपल दे बीन देर डन दैट उनका भी एक्सपीरियंस होता है हर चीज में क्योंकि उन्होंने पैथ वो चूज किया होता है सो डेफिनेटली so जब उन्होंने वो पैथ चूज किया होता है उसको उसके राइट्स एंड रॉन्ग्स पता होते हैं दे नो देअर वेज सो क्योंकि हमारा पैथ डिफरेंट होता है तो हमें उनके वेज पता नहीं होते कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं सो आई हेव लर्न फ्राम इट फिर भी आई स्टूट बाय माई ग्राउंड आई हैव लर्न फ्रॉम इट आज शायद चीज़ें जो मैं आज स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं यहाँ बैठा हूँ मैं मैंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैं आ, शायद अगर उस वो ग्राइंड मुझे ना मिलता शायद वो परफॉर्मेंसेस मेरी नीचे ना आती या मेरे साथ वो चीज़ें यू you नो know, ना होती जो हुई हैं शायद मैं आज ऐसा ये इंसान ना होता जो मैं आज हूँ मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है मेरे, मेरे सामने ज़िंदगी बहुत क्लियर हो गई है जो स्पोर्ट्स इज़ समथिंग वही आप उसको सिर्फ खेलते नहीं हो आप उसे जीत जीते बस सो yes. yes. so, आप अभी बड़ी मज़ेदार आपने एक बात छेड़ी कि ये जो आ, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो देन आपके सामने दो रस्ते आते हैं और आपके सामने दो तरह के लोग आते हैं एक वो लोग होते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू एक वो लोग होते हैं जो अपनी भलाई चाहते हैं आ, आप बाकी हम समझ ही जाते हैं इन बातों को अच्छा जब हम लोग हम लोगों ने एक अपना जब एक सर्ट लेवल पर आप सक्सेसफुल होते हो ना उधर जाके आप अलोन हो जाते हो बिकॉज आपने अपना एक रेफरेंस ग्रुप एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया हुआ होता आप लोगों को हम सबको ये लग रहा होता है कि यार मशहूरी होगी खुद ही लोग जुड़ जाएंगे खुद ही सब मुझे उठाएगा खुद ही सब मैं ऊपर से ऊपर चलता जाऊँगा बट जब आप ऊपर जाके लगते हो आपकी दीवार छाते लगती है और वो आपको नीचे वापस धक्का मारती है नाओ एट देट टाइम नाव डू यू सी हुर द पीपल एंड आई डोंट वांट नेम्स बट एम जिस आपको ये समझ आ जाती है कि यार ये लोग इस तरह के लोग और इस तरह की बातें करने वाले लोग आ, जो आज बड़ा परफॉर्मर होगा पाकिस्तान का उसको अगले एक दो सालों में और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है उस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हो गया हुआ है उस वक्त वो कौन कौन सी बातें सुन रहा होगा और उसको इस तरह की बातों के लिए अवेयर होना पड़ेगा या जो बच्चा है अभी अंडर 19 का लड़का है वो किस तरह की बातें सुनना शुरू कर रहा होगा और उसको कैसे लोगों के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि वो ग्लास सीलिंग ब्रेक करके और आगे जाए रादर देन वो भी धक्का खा के एक और दफा नीचे आए फिर वो समझे और फिर वो अपना रास्ता दोबारा आई थिंक ये ये ऐसी ये ऐसी है कि अगर आप प्लान करके करेंगे ना यू मोर ऑफन देन नॉट आप फेल हो जाएंगे ठीक है मोर ऑफन देन नॉट आप फेल हो जाएंगे कुछ लोग लकी जरूर रहे ठीक है बिकॉज अल्लाह ने हर किसी का कुछ ना कुछ रखा हुआ है यार कुछ लोग लकी जरूर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं जब मेरे सामने मुनीब के साथ कुछ गलत हो रहा है और मुझे पता है कि हो रहा है और उस पर मैं अगर कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का यू you नो know, ख्याल रहना चाहिए कि कल मेरी बारी आएगी बिकॉज स्पोर्ट्स स्पोर्ट इट्स इज अ ग्रेट लेवलर ठीक है तो ये सूनर और लेटर एवरी हैज़ टू टेस्ट इट अच्छा ठीक है

फिर जब तक आपकी साँस से निकलती नहीं है आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो गेन करने की तो वहां पे डेस्परेट डिसीजन नहीं लेने जब थिंग्स गेट टफ ऑन यू तो वहां पे अपने घुटने नहीं टेकने वहां पे उस चीज़ों को फाइट करना बिकॉज जब आप अपने घुटने टेक देंगे तो वह आपका लेवल रुक जाएगा ठीक है आप कभी भी उस ग्रेटनेस के लेवल पर नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते हैं आप फुल स्टॉप लग जाएगा जब आप अपने आप को ठीक रख के सबको फाइट करते रहेंगे बिकॉज यू स्टैंडिंग ऑन द राइट पैथ तभी यू नो पीपल विल अपोज यू एंड यूर फाइंड योर वेज फाइंड देयर वेज इवेंचुअली यू नो गेट गुड। इंटरेस्टिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू काइंड ऑफ जैसे मेरी यंगर एथलीट से बात होती है ना कि बास्किंग मैम क्या यार तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप जिसको हम कहते हैं या सपोर्ट ग्रुप जो है सपोर्ट मेकनिज्म वो क्या है मतलब 99% नाइन परसेंट ऑफ टाइम डोंट हैव अ सपोर्ट मेकनिज्म वो डिपेंडेंट होते हैं कि कोई मुझे जो जो भी सपोर्ट कर देगा मैं उससे सबर शुक्र करके कि मेरा तो नशा सपोर्ट है तो नाउ एट दिस एज आफ्टर लर्निंग एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ट्रूप दैट वन द वर्ल्ड कप एंड देन नॉट अंडरस्टैंडिंग अब आगे क्या करना है उस वक्त हमारे बड़े विजडम जिनसे आप ले सकते हो जो सीनियर आपके क्रिकेटर्स होते हैं या मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो एक दम से मैंने नोटिस किया था कि एक दम से ही बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं यंग परफॉर्मर्स uh, को भी इवन फॉर दैट मैटर यार और फिर उस वक्त आप जवान होते हो आपके अंदर खून होता है जज्बा होता है कोई बातें आगे पीछे बंदा कर जाता है तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू बिल्ड अ सपोर्ट मेकनिज़म फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ़ वेन यू स्टार्ट डिसाइडिंग अच्छा मैंने स्पोर्ट्स मैन बनना है अब जैसे आप अरशद नदीम को देखते हो आपने अभी उसके लिए इतना काम किया आप यंग एथलीट्स को देखते हो उनका कोई रेफ़्रेंस ग्रुप तो नहीं होता सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उनको कोई परफॉर्मेंस कोचिंग नहीं मिल रही होती उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सी डोपमिन कहाँ से लेनी है या कौन सा कैसे अपने आप को वो चलाना है सो इज़ ए नाओ डू यू थिंक इस तरह की कोचिंग हमारे मुल्क में ज़्यादा ज़रूरी किसी तरीके से इनकॉप्रेट होनी चाहिए आई थिंक अर्ली एज में Uh, उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं जिस एज में खेला पाकिस्तान आई वाज जस्ट सेवनटीन आप इतना कुछ नहीं सोचते हो okay. ठीक है ना फिर जिंदगी में एक टाइम आता है व्हेन यू रीच टू टू अ पॉइंट पॉइंटी व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई देन यू नीड दैट देन यू नीड टू नो के ओके okay, ये yeah, क्योंकि जिंदगी कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती है देर आर वेवस बिल्कुल तो जब जब अप एंड डाउन हो रही होती है और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं देन यू बिकम अ स्टार वहाँ पे आपको अपना सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है यू शुड हैव योर ओन कोच यू नो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो यू शुड हैव योर ओन ट्रेनर शुड यू नो जो यू शुड हैव योर ओन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यू नो यू शुड हैव योर ओन यू नो अ अन्टो अ गाइडर क्रिकेट फील्ड में कि जिससे आप अपने यू you know, uh, नो एक लेख तो होगी टेक्निक वाइज जो आपके बैटिंग कोच ने आपको बता दिया एक होती है कि उससे बाहर भी आपको पता हो कि कंडीशन कोई ऐसा लोकल इंसान होना जिसको डोमेस्टिक की कंडीशन का मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस yeah. हो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास के मैच आई थिंक दिस चार पाँच लोग मिल के आई थिंक दैट्स इनफ इट्स बट नाउ इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट एक सर्टन एज के बाद एक सर्टन एज से पहले इज जस्ट अ बर्डन बिकॉज यू विल नेवर अंडरस्टैंड आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वहाँ पर आपकी अल्लाह मदद करता है तो अल्लाह बाद में भी करता है लेकिन यू ग्रो वेन यू ग्रो एंड यू नो यू यू ट्राई टू बिकम अ बिग बॉय तो वहां पर दूसरे बिग बॉयज के साथ कंपीट करने के लिए दे ऑल डूइंग दिस थिंग एक रॉ टैलेंट कैन ओनली टेक यू टू वन प्लेस वहां फिर आपने आगे इवेंचुअली uh, मेंटली अपने आप को ग्रो करना है आपको स्मार्ट होना है अपने आप अपने आप के साथ कुछ लोग अटैच करने हैं जो ज्यादा नहीं बिकॉज फिर आप जब ज्यादा भी चीज़ें करने लग जाते हैं मनीष भाई बात तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं

ये you पाकिस्तान know, में क्या दुनिया में कितने एक लोग होंगे जिन्होंने दुनियावी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हुई हैं मतलब पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट लोगों ने उस ट्रॉफी को हाथ लगाया हुआ है यू बिन लकी इन टू बिन ब्लेस्ट विद सिचुएशन तो वो कैसा वो इमोशन ज़रा बता सकते हैं सो लाइक वेरी यंग अभी टीम में मैं आए था कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थैंक यू तो बहुत सारे लोग जिस तरह आपने बोला है कैन ओनली ड्रीम आई नो लॉट ऑफ प्लेयर्स जो के काफी मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट कर सके इट्स बिल्कुल लाइक आई फील फॉर देम जो बहुत ज्यादा मैचेस खेले लेकिन वो वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं रह सके ओनली फ्यू वंस चोजनिटी अपॉर्चुनिटी और अ चांस टू कंट्री इन द वर्ल्ड कप फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे I was not only one of those <clears throat> who got the chance to play in the World Cup, but to lift the trophy as well. Boy. So that was something I will never forget in my life because when your life is, you know, cricket uh -huh. and you winning the, the biggest championship and then and you being a part of that representing your country, uh -huh. nothing like it. Wo gali se utke, nice. Imagine imagine 2009 के अंदर 17 साल का लड़का भी टीम में है और वो ट्रॉफी जीत गया है yes. तो इससे बड़ी भी कोई चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने करियर के शुरू में ही दे दी नथिंग सो so, वो चीजें ऐसी हैं दैट यू कैन नॉट डिस्क्राइब द ओनली थिंग आई नो दैट वी हैड अ पार्टी एंड आई एन दैट्स गुड अच्छा सो ये होगा अब हम आ जाते हैं आप फेमस हो गए एक अनारकली से क्रिकेट खेलता हुआ लड़का निकला वो ज्यादा मिल गया वर्ल्ड कप भी जीत लिया <laughs>

उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है और आपको क्या लग रहा होता है लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है साइकोलॉजी आई टू गेट बिकॉज़ अ ऑफ़ स्पोर्ट्स पीपल लूज मोर देन दे विन सो ये सारा we जिन्होंने yeah, yeah. तो बनाया नहीं था <laughs> हमें पता हो कि क्या करना है जब शुरू शुरू में आया तो बाकियों से तो बहुत बेटर ही हो रहा था लेकिन उसमें फिर गलतियां भी हुई फिर फिर ये हुआ कि हर इंसान की ओपिनियन बन गई बिल्कुल हर अब देखते हैं अब आप अब, अब आके लोग बहुत केयरफुली यूज करते हैं बिल्कुल। उस टाइम जब नई नई चीज थी तो थोड़े केयरलेस थे बिल्कुल तो जब आप केयरलेस होते हैं और एक्टिव होते हैं और सबके पास एक्सेस है आपकी लाइफ में घुसने का तो फिर जितने उतनी बातें तो वो फिर वो परसेप्शन जो लोगों तक गई बिल्ड हुई वो ठीक नहीं थी जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज्यादा क्रिसम फिर उसके बाद परसेप्शन बनाई भी गई थ्रू मीडिया एज वेल बिकॉज वेन यू बिकमिंग समबडी जैसा मैंने आपको बोला था यू हैव लॉर्ड ऑफ एनिमीज आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक है तो जब आपके एनिमीज हो जाते हैं फिर वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं और जितने आप बड़े होते जाते हो आपके उतने एनिमीज होते जाते हैं फिर जब विद इन द टीम के सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग आ जाए जो नहीं चाहते कि आपको परफॉर्मेंस करो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर एक टाइम आता है कि आप चारों तरफ से घिर जाते हो एंड यू आर हेल्पलेस वो एक टाइम है जो एक स्पोर्ट्स मैन पे एक ऑनेस्ट स्पोर्ट्स मैन पे बहुत टफ होता है hmm. उसको डाइजेस्ट करना ठीक है उसको यकीन नहीं आता है वो एक पीरियड है दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि जहां इंसान मेक और ब्रेक होता है Hmm. वो एक टाइम होता है कि जहां पता लगता है कि आपने यहाँ पे दब जाना है यू डन डस्ट इट आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेयर्स जो के आते हैं और चले जाते हैं उनको थोड़ा सा दबका मार रहा वो वैसे ही बेचारे उसके बाद परफॉर्मेंस ही नहीं होती उनसे पहले मैच के बाद ही तो इतनी मुखालफत के बाद भी यू you नो know, आप परफॉर्मेंसेस कर रहे हो एंड यू जस्ट बीइंग देयर दिस शोज दैट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर सी आई एम अ आरउ गाई प्राउड ऑफ माई सेल्फ नो बडी नोज कि वट आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ ओनली आई नो एंड जब मुझे पता है कि वट बीन थ्रू एंड मैंने कभी किसी को बताया नहीं तो आई नो दैट द वे हैव स्टूड फॉर माई सेल्फ फॉर माई राइट फॉर माई फैमिली फॉर माई फॉर माई इंटेग्रिटी फॉर माई रिस्पेक्ट आई थिंक दैट वॉज अमेजिंग एंड इनशा आई है लर्न ओवर द टाइम फिर चीज़ें पुरानी होती गई जारी बात है जब एक चीज़ ठीक नहीं बैठती है आप जब टीम से बाहर होते हैं तो फिर आपके पास टाइम होता है तो और के, हाँ या, what's going on? क्या ठीक क्या गलत कर रहा हूँ स्लोली ग्रेजुअली वहाँ से सीखते सीखते आई थिंक सीखना तो कभी बंद नहीं होता है बट दैट वॉज दैट पॉइंट जब सोशल मीडिया नया नया आया था और आई वॉज जस्ट गोइंग देयर कोड लोगों की एक्सेस आपकी जिंदगी में घुस गई वो एक टाइम था जो मुझे काफी हर्ट किया okay. so, वट वुड दैट वन थिंग be कि यार अच्छा मैं ये जो एक चीज़ थी ना ये एक ट्वीट या ये एक तस्वीर या ये एक कॉमेंट या ये एक बात ये एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी एक आई थिंक आप की जिंदगी अगर मैं कहूँ कि कोई नहीं होगी तो ये रॉन्ग होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम जिंदगी में कहते हैं कि यार अच्छा एंड यू लर्न from इट और नेक्स्ट टाइम यू ट्राई to टू डू इट आई थिंक वो जो सोशल मीडिया अर्ली ऑन मैंने अपना जब नया नया बनाया तो उसको अवोड से कि ना होता उसको थोड़ा सा जिस तरह मैनेजर्स होते हैं बिल्कुल बेटर तरीके से हैंडल करते थे उस टाइम मैनेजर्स वगैरह नहीं थे हमें पता ही नहीं था अगर थे भी तो हमें उस टाइम पता नहीं था।, नहीं।, नहीं।, नहीं था हमारी फील्ड में नहीं आए बिल्कुल नहीं थे अब तो हाँ उस वक्त और जब आए थे हमने फिर रख भी ली ठीक है ना तो ये एक चीज है अब उससे कि हाँ यार उसको मैं केयरफुली इस टूल को मैं केयरफुली यूज कर सकता ओके सो एक सवाल द सॉर्ट ऑफ लाइक द स्पोर्टिंग फील्ड ऑफ द ऑफ द फील्ड रिलीजन स्परिचुअलिटी स्ट्रेंथ इमोशनल स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उसका सबसे बड़ा आपके लिए इंस्टीट्यूशन क्या रहा है देखिए uh, मेरी जो मेरी जो फैमिली है थ्रू आउट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है आई बिन लकी नाफ के अलहमदिल्ला मुझे बहुत सपोर्टिव अच्छी फैमिली मिली है बिकॉज वन आई सी सराउंडिंग्स दे आर लॉट ऑफ थिंगस गोइंग ऑन तो यू नो आई फील प्राउड एंड ब्लेसड कि अल्लाह तुझे इतने अच्छे सिबलिंग्स दिए यू नो फिर उसके बाद मेरी जो अम्मी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हमारे लिए फिर उसके बाद जो मुझे मेरा स्पाउस मिला वो एक बहुत लविंगयरिंग यू नो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे uh, अल्लाह का बहुत शिक्र है उन्हें भाई यू नो हाउ इम्पोर्टेंट डिजीज टू गयाउस जो कि आपके साथ खड़े हो फिर बच्चे आ रहे हैं तो हम मुझे लगता है मेरा जो सपोर्ट सिस्टम मुझे रहा है थ्रू आउट मेरे घर के अंदर से ही रहा और घर के अंदर से ही होता है मनीप भाई Best. कितना कितना को टाइम है आजकल किसी के पास कि आपके दुखड़े बैठ के सुन लेगा और उसके लिए काम करेगा यू अगेंस्ट योर सेल्फ ऑनिंग आपने ही अपने लिए जो भी करना है आपकी लड़ाई भी अपने साथ है सक्सेस भी आपने अपने लिए करनी है और आपने सोल्यूशन भी सुनेंगे आप सबकी जो कि आपके क्लोज होते हैं लेकिन इन दी एंड जो डिसीजन लेने हैं दैट्स यू और लेने भी अपने बलबूते पे चाहिए बिकॉज यू नेवर नो अल्ल्ला ने आप में कितनी सिलाहत दी है और आपको अपने डिसीजन की वजह से काम पर होता ही है मनी भाई इंटरस्टिंग आई वाइक टू कैरी ऑन कि जब आप एक सर्टन लेवल पर पहुँच जाते हो तो बहुत ज़्यादा लोग आगे आपको जो है ना सजेशन uh, देने लग जाते हैं फ्री एडवाइस जिसे कहते हैं uh, पहली बात तो यह है कि फ्री एडवाइस किसी को आजकल देनी नहीं चाहिए ठीक है ना बिल्कुल नहीं जब तो तक कोई मांगे ना देनी नहीं चाहिए दूसरा ये है कि वो एडवाइस इतनी आ रही होती है और स्पेशली जब वो आती भी तब है जब आप किसी लाइफ के एक मोड़ पे खड़े होते हो बिल्कुल ठीक है और एक सेंसिटिव मोड पे खड़े होते हो वहां पे आपको एडवाइस आती है चार तरफ से देन यू गेट कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ और जो वीक लोग होते हैं वो कन्फ्यूज के किसी न किसी की बात सुन के उनके डिसीजन पर हार जाते हैं देखिए वाइजली सुनना चाहिए लेकिन इन एंड ऑफ द डे जो गट होता है ना गट ऑलवेज लिसन टू ऑल इसको नहीं पीछे छोड़ना इसको हमेशा फ्रंट में रख के फैसले करने nice. हम अपना गट छोड़ देते हैं पीछे जो हमारी गट कह रही होती है उसकी नहीं सुनते हैं और जो सराउंडिंग है उसकी सुन के यू गो डाउन नहीं इफ यू गोइंग डाउन इन लाइफ या आपके डिसीजन ठीक नहीं बैठ रही दैट्स अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ ये आपकी जिंदगी है ये यू चलनी है यू जस्ट लर्निंग देर इज नो फेलियर इन लाइफ यू आर जस्ट लर्निंग एंड मूविंग अ लोग आपको गिराने की कोशिश करते रहेंगे डिसहार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे लोग आपको यू you नो know, कभी ऐसे ऐसे पिंच करेंगे वर्ड्स के साथ जो कि यू नो आपने ना कभी किसी के साथ की हो लेकिन आपको पता हो लेकिन उसको एबजॉर्ब करना है निकलना है एक वो जो यू you नो know, एक बिल्कुल टनल के अंदर जिस तरह इंसान जाता है ना आपने एबजॉर्ब करना है रखना है इसको सहना है ये सुनने इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी Everything which is coming from outside just doing something inside you, you have to make sure that that thing, whatever is coming from outside, only doing positive in your life, not negative. That you can control, jo cheez hai, that's only you can control. Oh. So, I have mean, I mean, glimpses of the old image and somebody. विद वैट तो ये बड़ा एक मजेदारम्बिनेशन बन रहा है अच्छा वर्ल्ड कप पे आते हैं बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर करनी है टीम सेलेक्शन के बारे में सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिर आगे चलते हैं टीम सिलेक्शन आई थिंक यार यही टीम है जो इकट्ठे खेलते हुए आ रही है चार पांच साल हो गए पांच इवेंट यही लोग खेले हैं बिल्कुल और यही टीम खेलती नसीम शाह इंजर्ड हो गए अंदर आ गए ठीक है यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन दैट कभी कभी भी कोई मुतमिन हुआ है किसी चीज से नहीं होगा इन दी एंड अगर देखें वाइजली अगर आप देखें चीजों को एज अ क्रिकेटर यही टीम थी यही खेलनी थी हमें पता है ऐसा ही होगा कुछ इंजरीज हुई हैं इंजरीज को लेते हुए कुछ आ गए दो तीन चीजें नाम थे जिसपे हो सकता था कि यार मुनीब को नहीं तो अहमद को रख लो अहमद को नहीं तो मुनीब रख लो तो वो जो कैप्टन को जो अच्छा लगता है जिसका ट्रस्ट लेवल होता है उन्होंने वो रख लिया बिकॉज इन दी एंड मुनीब होता क्या ब्रदर कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है हर चीज का इन ठीक है, बड़ा तो, बड़ा है? तो कैप्टन जब रिस्पॉन्सिबल है और होना भी चाहिए तो जब कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है तो फिर कैप्टन को चूज करने ठीक है जिस पे उसका फेथ और ट्रस्ट लेवल है वो चूज करेगा बिकॉज इन द एंड अगर कुछ होगा तो उसको फिर सबसे पहले हाथ खड़ा करना चाहिए जो जो लीडर्स होते हैं वो यही करते हैं कि ओके यार आई हैव डन दैट माय बैड सॉरी लेकिन ये तो सोचना ही नहीं है ना अभी अभी तो जीतने का सोचना है इनशाला you know, uh, हमने जीत सिर्फ पॉजिटिव 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 और ये टीम के साथ आई थिंक साइकोलॉजिस्ट भी साथ ही हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है वो पूरी कोशिश करेंगे इनशाला और हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए उनके लिए जो भी सिलेक्ट हुआ है अच्छा ये जो है ना यहाँ पे आके हमें शजाद के अंदर का क्रिकेटिंग एंकर जो है ना वो आ गया कि दुआ कर और जीत जाए अच्छा मुझे आन, आन, आनीस्त, आन, आनीस्त। वो पुराना वाला है वजाद से अगर मैं पूछूँ दस कि तेरे ख्याल से लगता क्या है मतलब दिस दिस फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड कप इज़ वेरी डिफरेंट दैन द अर्लियर फॉर्मेट राइट सो द टाइमिंग द प्लेस

In terms of your honest opinion, what are the teams that will be the most threatening to us? So एक चीज तो मैं आपको clear कर दू के ये tough world cup है ऐसा नहीं है कि दो हल्की टीमों को आपने अपने ग्रुप से मारा एक अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा खेले और आप सेमीफाइनल में पहुंचे नहीं <laughs> आपको कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलनी है सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान की और इंडिया की कंडीशन सिमिलर है सपोर्ट भी मिलेगी इंडियंस बहुत जो वहाँ पे है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिलेगी इंडिया के अलावा हाँ। जो ज़रूरी बात है इंडिया का मैच है वो हाँ। उनको वहाँ पे तो उसके बाद आपके पास वर्ल्ड नंबर वन बैटर है बिल्कुल you know? उसके बाद यही टीम पिछले पांच सात टूर्नामेंट खेल चुकी है बिल्कुल ये काफी देर से खेल रहे थे दे नो प्लेइंग स्टाइल उनको पता है हाँ। सारी चीजों का फिर आ, और पॉजिटिव ये हो सकती है कि आपके पास बॉलर भी जो है वो तगड़े हैं इस टीम के अंदर इवन दो आई वुड से कि नसीम शाह को इंजरी हो गई है बट एक बंदा कभी भी कुछ नहीं जितवाता होता ठीक है आई थिंक इट्स अ टीम गेम उनके अलावा भी पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं तो ये तो पॉजिटिव्स हो गए आप नेगेटिव से तो बात करते हैं जो कि नेगेटिव इन अ सेंस कि जो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं विच इसके लॉन्गो फॉर्मेट है क्या हमने टॉप साइड्स के अगेंस्ट पिछले दो दो सालों में तीन सालों में ओडी क्रिकेट खेली है लंबी तो हमने जितनी भी खेली है वो आप देखें कि बी सी डी टीम्स आती रही हैं तो जब तक आप टॉप नॉच साइड्स के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं तब तो तक आपको पता नहीं लगता कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं और किन चीजों को हमने इंप्रूव करना है फिर आप उसके लिए एक दाम उठाते हैं ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है कि हमने सिर्फ बी सी डी टीमों के अगेंस्ट खेला है ज्यादातर क्रिकेट फिर दूसरा हमने बहुत क्रिकेट पिछले हमने नहीं बल्कि सबने ही पूरे दिन बहुत सारी क्रिकेट टी ट्वेंटी खेली है बिल्कुल अब ये वनडे फॉर्मेट है और दस मैच है और इससे भी ज्यादा तो क्या इतनी देर तक जो है ना हम सर्वाइव कर पाएंगे वो फिटनेस लेवल है हमारा कि इस सेम इंटेंसिटी के साथ क्या हम खेल पाएंगे क्या उस तरह की फिटनेस है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कंसर्निंग हो सकती है कि लैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट अगेंस्ट द टॉप टीम्स और उसके क्योंकि जब तक कोई फॉर्मेट आप नहीं खेल रहे होते मनीप भाई हाँ। वो मसल्स आपकी जो मेमोरी है हाँ। वो उस तरह डेवलप नहीं हो रही होती बिल्कुल तो वो आपने बिल्ड नहीं की होती उस लेवल पे जाके कि जैसे ही आप खेलो तो वो सारी चीजें याद आए तो आप चार ओवर कर करके कर या चार ओवरों की बैटिंग कर करके कर ना आपकी जो मसल मेमरी शॉर्ट वाली वो इसी चीज पे चल रही होती है तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है दूसरा आप कह लें कि नसीम आपका अच्छा बॉलर था इवन दो आई फील

ये टीम अच्छा करके आए इन इनशा सो वी वॉक बट द लॉन्जिटी ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज हम लोगों ने पाकिस्तान में भी और बा, बाकी इन जनरल भी आई डोंट थिंक के एनी देर हैज़ बिन एनी अदर सॉर्ट ऑफ वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीम्स ने आठ आठ हाँ दस दस मैचेस बैक टू तो बैक खेले हो अच्छी लेवल के टीम्स के साथ चार पांच मैचेस खेले फिर दस दिन की ब्रेक या तीन मैचेस खेले फिर पाँच दिन की ब्रेक और फिर टी ट्वेंटी पर फॉरन शिफ्ट हो गया ना दिस इज़ गोइंग टू ऑल्सो प्रूव जो हमारे अंदर जो परफॉर्मेंस के साथ साथ जो स्ट्रेंथ कोचिंग होती है क्योंकि पचास ओवर खड़ा होना और बैक टू बैक खड़ा होना बड़ी हिम्मत की बात होती है मतलब मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करना शुरू हुआ मुझे समझ आती थोड़ी है बहुत नहीं नहीं। आप, वेरी guy, तो, तो बट आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं कि यार ये फिफ्टी ओवर्स टेन डेज बैक टू बैक या एवरी अदर डे हाउ डू यू प्रेप फॉर दैट ऑन द फिजिकल लेवल न्यूट्रिशनली एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकली यार मैंने ये करना है देखिए इफ आई एम बींग ऑनस्ट यू अब ये चीज़ें पाकिस्तान इस तरफ आ रहा है okay. उसके लिए काम कर रहा है वो देखा जब आप काम करते हैं तो राइट रॉन्ग होता रहता है बिल्कुल बट इवेंचली जब आपके जेहन में आ गए ना कि इसकी इम्पोर्टेंस है, है फिर आप करते हो पहले नहीं होता था इतना पहले हम फिटनेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे तो हाउ वी आर ऑलरेडी लैकिंग बिहाइंड ठीक है अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम ऑलरेडी लैकिंग बिहाइंड ये तो है एक हमारी शॉर्ट कमिंग इसको एड्रेस करना है लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करना है फील्डिंग इस एक ऐसी चीज़ है जिसका यू ये दारदार आपकी फिटनेस से बहुत ज़्यादा है इसी वजह से हम कहीं ना कहीं फील्डिंग में भी लैक होते हैं बिकॉज वो जो हमारा टाइम होता है फील्डिंग uh, पे लगाने का वो एनर्जी हम कोशिश करते हैं या तो बैटिंग पे लग जाए अगर बैट्समैन है तो या बॉलिंग पे लग जाए उसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बॉडी इजाज़त नहीं दे रही होती तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फील्डिंग पे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा देते हैं बिकॉज उनकी जो बचपन से ग्रोथ हो रही होती है उनके जो खाने भी हैं या उनकी जो लाइफ भी है इट हेल्प्स इस वजह से उनके ग्राउंडस भी जो इस तरह के होते हैं और वो इंपॉर्टेंस भी देते हैं फील्डिंग को बहुत ज़्यादा इस वजह से उनकी फील्डिंग में और हमारी फील्डिंग में तो फ़र्क रहता है इसी वजह से उनकी फिटनेस में क्योंकि उनका ग्रास रूट से इस चीजें स्टार्ट हो जाती है और हमारी फिटनेस में फर्क रहता है लेकिन अब इन ताला ऑलरेडी वी आर बिहाइंड तो इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है पॉसिबल सो so, एक सवाल <laughs> <winning>, <laughs> <laughs> टू की न्यूजीलैंड बहुत फिट लगती है साउथ अफ्रीकन बहुत फिट है इवन इंडियन टीम जो है एक दो को छोड़ के वो फिट है सारे हमारे लड़के भी फिट है ऐसी बात नहीं है लेकिन आप बात वही है कि आप यू कैनॉट होल्ड बैक एनी थिंग इट्स वर्ल्ड कप जहाँ आपने एक भी मैच में होल्ड बैक कर लिया वही मैच आपका नाइक बन जाएगा oh. और ऐसा बहुत दफा हमने देखा है इसी तरह अगर किसी और टीम ने भी इस चक्रों में रहे कि आपकी फिटनेस आपको इजाजत नहीं दे रही और उनके किसी प्लेयर ने पुल बैक कर लिया उसी एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम सफर करेगी सो oh. so, ये वो और चीजें नहीं होती हैं इवेंट जब आता है इसमें यू कैनोट पुल बैक ये यू हैव टू गो ऑल आउट जब आप ऑल आउट हर गेम में डे 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 आफ्टर 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 इवन प्रैक्टिस सेशंस में भी जाना पड़ता है out, yeah, yeah. तो फिर इस वजह से you know, ये थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मेट है है uh, कि दस मैचों तक अपनी uh, जो कंसिस्टेंट आपने रखनी होती हैं दैट्स है that's, that's <laughs> <every time. laughs> ठीक uh, है पाकिस्तान वर्सेस एनी मैच शो हम यही बोलेंगे पाकिस्तान <laughs> भी बोलेंगे डू वी हैव अ चॉइस यार मतलब कभी कभी अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ बंद खेलना पता क्या नहीं यार उसकी टीम बेहतर है जीतने यार ये दिल से कैसे निकाल दे वो भी दिल मानता ही नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं वो जो वो जो वो जो एक्सेप्टेंस का वो जो है ना उसका बटन वो ऑफ है हाँ. वो ऑन करना भी जाए तो वो अकेले में कभी कभार हो जाता है लेकिन जैसे ही लोगों में आता है तो वो स्विच ऑफ हो जाता है वो ये 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 अगेन वही वाला नशा है जो स्पोर्ट्समैन हाई होता है कि आप इतने डिराइव्ड होते हो इतने फोकस्ड होते हो उस टनल विजन के साथ कि यार नहीं हम लोग खेलेंगे तो हम जीतेंगे एक्सेप्टेंस ही नहीं हाँ चाहे हा मतलब, चाहे दस मैच आ रहे हो ग्यारहवें पे डाउट आ जाते हैं लेकिन वो जो 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 गट होता है वो यही कह रहा है जीत जाएंगे यार मतलब मुझे लाइक ऐसा थोड़ा सा अब शौक हुआ है तो ना मतलब अब जब भी ना, मतलब एक अजीब सी अजाब सी फीलिंग होती है टूर्नामेंट तो तो, में ना यू बीन टू दैट पोजिशन जहाँ पे बहुत सारे अपस एंड डाउन आएंगे आपको ये भी लग रहा होगा अबाउट क्या होगा ये आती हैं फीलिंग और ये बड़े बड़े प्लेयर्स अगर कोई कहता है नहीं मेरे जिन में ये नहीं आया तो वो इज़ जस्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओके सब के जहन में ये सारे थॉट्स चल रहे होते हैं विद इन द टूर्नामेंट्स okay. लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं दैट्स ओनली योर स्ट्रगल हार्ड वर्क हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर मेंटली हाउ प्रिपेयर यू आर आपके सेक्रीफाइस ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप ऐसी थाट को मैनेज कर लेते हैं और उससे पॉजिटिव आउटकम लेके निकल जाते हैं लेकिन ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी

आई एम नॉट वन ऑफ दोज जू इस पे हारने के लिए ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ ठीक है मैं, मैं मैं मेरी मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता किसी अपनी क्रिकेट के ऊपर सही चीज़ के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज वाला लड़का ही रूँ ठीक है आई ऑलवेज टूड बाई द राइट थिंग्स आई ट्राई समटाइम्स डूइंग सम स्टूपर थिंग्स यू नो प्लीजिंग पीपल यू नो आई फेल दिजरेबली इट वॉज इन नेचुरल एंड आई टोल्ड टू माई सेल्फ यार ये मैम डूइंग दिस इज नॉट मी परफॉर्मेंसेस भी व्हेन यू नॉट डूइंग समथिंग व्हिच इज़ यू यू नॉट बीइंग योरसेल्फ बिंग यू थिंक इज ऑलरेडी यू डूइंग द राइट थिंग्स तो फिर व्हाई दैट जिस पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मी स्टेक पर लगाते थे लाइक नो दिस इज़ नॉट मी ये तो जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा मैं तो फिर इनको प्लीज करते हुए 10 मैच और खेल जाऊंगा लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो 10 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं करूंगा तो 11वें में मैं इंचअली बाहर हो जाऊंगा सो ये आई थिंक इट्स इट्स माय लव फॉर द कंट्री एंड टीम के नहीं यार ये नहीं है सो so, इस so, ये तो अगर लेट्स आई टॉकिंग टू अ यंगर एथलीट जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई यू नो इंटेग्रिटी के सवाल हैं या एक पैशन का सवाल है वो अहमद शजात से क्या सीख सकता है कि यार अच्छा सिर्फ पैशन ही ज़रूरी है लेकिन आपके दिमाग में कुछ और भी तो वर्किंग प्रोसेस चल रहे होंगे ना कि यार अच्छा तुम्हें एक चीज़ से प्यार है

तो जब आप इसी तरह आप जब खेल जाते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपका इश्क एक डिफरेंट लेवल पर चला जाता है वहाँ पर आप फिर उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते जो सच्चा इश्क होता है जो प्यार होता है आपकी अपने प्रोफेशन के साथ क्रिकेट के साथ या उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उसके साथ वहाँ पे यू डोंट वांट टू जस्ट डाई डाउन आप एग्री नहीं होते हो कि कोई किस तरह आपको हला ले आप उसमें फिर ये ऑटोमेटिकली जब आप एग्री नहीं हो रहे होते हार मारने के लिए तो फिर आप मूव करते हो आप स्ट्रगल करते हो तो कम आउट हाँ। उस स्ट्रगल में ही आपको सारी चीजें मिल जाती सो इज मेंटली एंड इमोशनली राइट यार मैं मतलब मैंने ये दुख पाल लिए मैंने ये देख लिया मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया मैंने हार हार भी गए हमने अच्छाया भी देख ली बुराइयां भी देख ली गालियां भी सुन ली लोगों की भी ऐसे ऐसे लोगों की बातें भी सुनी जिनको आप कभी मुंह ना लगाओ फॉर दैट मैटर Uh, सुन सुन भी रहा हूँ <laughs> <laughs> अच्छा सो so, जब आपने वो सारा कुछ कर लिया होता है तो अब आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या है नेक्स्ट uh, एजेंडा है कि उन लोगों को जरा इग्नोर करना है ठीक okay. है जो कि हमेशा से करता आया हूँ और जो मेरे प्लान्स है जिंदगी के उसको परस्यू सबसे पहले यू नो मैं अपनी क्रिकेट में मुझे लगता है कि मैंने उस पर, जो पोटेंशियल अल्लाह तला ने मुझे दी है फॉर सम रीजन यू नो लेट्स फोगेट दैट वो हमने बातें की हैं मैं अभी तक उस पर नहीं मैं इससे बेटर कर सकता हूँ आई हैव इट इन मी द मोमेंट आई फील दैट आई डोंट हैव इट इन मी आई विल बी द फर्स्ट वन विल से थैंक यू दीज आर माई शूज आई एम डन आई एम गॉन सही जब तक मुझे पता है माई बेस्ट इज येट टू कम आई विल वर्क रियली रेली हार्ड फॉर इट इन माई हम्बल कैपेसिटी फ्रॉम द राइट पैथ चैनल फ्रॉम द राइट पैथ अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में वो चीज़ें जो मैं सोचता हूँ आवर वन वर्ल्ड कप फॉर द कंट्री पार्ट ऑफ लाइक थ्री फोर वर्ल्ड कप्स एक उसमें से जीता हूं लेकिन अगर मेरी आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए सो आई वॉन्ट टू बी अ गाय मेन इंसान हो उस वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ यही है और कुछ भी नहीं है अदरवाइज ब्रो अल्लाह तला ने मुझे इतना कुछ दे दिया हुआ यू नो जस्ट इमेजिन कहाँ से क्या जस्ट इमेजिन मेरे साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है But, you know, yeah. मुझे किस चीज़ की और हो सकती है आप मुझे बता दें दिंग दिस कंट्री मैनपीपल थ्रू माई फाउंडेशन आई एम ऑलरेडी अभी इसको बात नहीं करते लेकिन आई ऑलरेडी इन अ पैथ ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न वेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन माई कंट्री दे आर लॉड ऑफ पीपल जो अपनी यू you नो know, उस हाइट पे ही नहीं पहुंच सकते हैं जिंदगी में पाकिस्तान में क्योंकि उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है सो यू नो मुझे बैठ के सब चीज़ें मिल रही हैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हैं मेरे पास अल्लाह तला ने सब कुछ दिया आई फाइनेंशली मैं सिक्योर हूँ हर एक चीज़ है वॉट एल्स दिस इज नॉट लाइफ सो यू नो इसके आगे भी एक लाइफ है जिसकी आपने तैयारी करनी है सो so, सबसे पहले तो आप पे जब ये टफ़ टाइम्स आते हैं ना तब आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो जब आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है ना फिर आप राइट right चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हो सो so, इसी वजह से क्योंकि मेरा मेरा मकसद डिफरेंट है मैं चीज़ें कुछ और करना चाहता हूँ मैं इतना फोकस्ड हूँ उनकी तरफ लॉट ऑफ़ टाइम्स मेरा ध्यान ही नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और मेरा मानना है कि अगर मैं उन चीज़ों की तरफ़ यू नो अपनी सारी एनर्जी लगा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी एट द सेम टाइम यू नो मुझे फिर और कोई चीज़ है जो तंग कर सकती है इन माई हार्ट आई नो आई एम वर्किंग हार्ट फॉर लाइक कमिंग बैक इन द साइड एंड वाई बिकॉज आई मैन डू समथिंग फॉर दिस कंट्री विच इज लेफ्ट मैं एक वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता हूँ उस वर्ल्ड कप की नंबर वन नंबर टू गिव बैक टू दिस कंट्री कंट्री जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है फ्रॉम नो वेयर पीपल टॉक अबाउट मी गंदा बुरा छोड़ दे यू नो जस्ट 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 टू द फैक्ट कभी न कभी मैंने उनको एंटरटेन किया है घर घर में कोई एक होगा मेरा फ़ैन होगा एक होगा एक्टर होगा लेट्स डू समथिंग एज ए सिटीजन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सो ये ये वाली बड़ी मज़दार आपने दो तीन बातें छेड़ दी हैं एक तो ये थी कि यू नो जो अल्लाह तथा आपका कनेक्शन बन रहा है इस वक्त स्पेशली उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बट द लाइफ ऑफ द फील्ड

इसके थ्रू चीजें करना चाहता हूँ एक ऑफरेज हाउस स्पेशली फॉर द फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज जो के यू नो आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स लेकिन जो कुछ हो रहा है हमारे माशरे में उनके साथ वो दैट्स नॉट समथिंग यू नो आई आई रियली हेट दैट थिंग ठीक है जिस तरह यू you नो know, बच्चे सारा आई वो नाई हम्बल कैपेसिटी यू नो अल्लाह तला कहते हैं कि किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर अगर आप उसमें थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन कर पाए तो यू यू नेवर नो कि वो आपको क्या क्या देंगे सो so, इसी यू you नो know, सिलसिले में मेरा जो जो एक ऑफिज है बच्चे हमारे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है एंड जो भी मैं कर सका अब मैं यहाँ पे आपके बैठ के कह दूँ कि आई बिल्ड यूनिवर्सिटी आई वो न बिल्ड एन हॉस्पिटल आई वो न बिल्ड दिस एंड दैट मैं जो कुछ भी कर मैं मेहनत करूंगा आई नो एम अ हार्ड वर्क और लिमिट मैं जहा मैं आऊँ मैं मैं चाहता हूँ मेरी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन इंशाल्लाह शो जब बने ये मेरा एम है और जब एम ये है ठीक है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आगे उतना अल्लाह ताला मेरे मुझे अच्छा समझे ठीक मैं इन दी एंड आप ये काम किस लिए करते हैं अपनी आखिरत के लिए करते हैं ना तो मैं चाहता हूँ मेरी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन बने और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकूँ ऑनेस्टी के साथ सो इफ दिस इज योर गोल एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्कर मैं हूं बिकॉज mm -hmm. आप कभी भी इतना लंबा करियर नहीं चला सकते अगर आपने मेहनत ना की हो बिल्कुल और जब आप स्पोर्ट्स की फील्ड से होते हैं आपको आइडिया होता है कि अप्स एंड आएंगे भिल्कुल. तो वो एक्सपीरियंस लेके मैं जब इधर आऊंगा हैव नो यू यू राइट सॉर्ट ऑफ वर्क गुड थिंग्स अल्लाह तो वैसे ही आप एक कदम लेते हो तो वो आपको खींच के ले जाता है तो सीनियर्स और इन योर पीयर्स नहीं ठीक कर रहे, uh, बहुत कम होता है अच्छा में भी कोई नहीं, नहीं बहुत कम होता है कि कोई आपको हर टाइम पे लिफ्ट करता रहे ये वो इन फैक्ट uh, बच छोटे होते हुए यू एक्सपेक्ट और जब वो जब एक्सपेक्टेशन होती है ना वहीं पर सारा काम खराब होता है So, ये ही तो थी कि यार ये मैं तो ये कर रहा हूँ मुझे अप्रिसन क्यों नहीं मिल रही hmm. और जब भी कोई गलती हो जाती है तो उस पर right. गलत चीज सारा आ जाता है तो वो एक्सपेक्टेशन मैंने बहुत अर्ली एज में खत्म कर दी थी इंटरेस्टिंग एंड हु डू यू लुक अप टू इज यार ये बंदे ने अपनी जिंदगी सही कर ली है आई थिंक इमरान खान इस के जो जो एक जिसे कहते हैं जो स्टार उन्होंने देखा है जो अल्लाह ताला ने उनको स्टार्टम दिया है एज क्रिकेट फील्ड के अंदर हम जिस सो लेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है कि उनकी एक लाइफ ऐसी है कि यू you नो know, अल्लाह ताला ने उनका बहुत साथ दिया uh, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो ठीक पड़ी है सो दैट इंस्पायर्स मी लाइक लॉर्ड ऑफ अदर यंगस्टर्स सो अब मैं ना एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही बट यू कैन टेल मी

इसकी जब डेफिनेशन उनके पेरेंट्स बताएंगे या बहुत समझने की कोशिश करेंगे तो इनके करियर में काम आएंगे नंबर वन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स ठीक है आप सिर्फ वही चीज़ें कंट्रोल करने की ज़िंदगी में कोशिश करें और उसी पे दुखी हो जो आप कंट्रोल कर सकें इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि मुनीब नमाज़ मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है हाँ अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा उसकी वजह से अगले ती के कोच मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे चार दिन नींद नहीं आएगी उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकूंगा कंट्रोल द कंट्रोल नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनीबडी डू नॉट एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्टेशंस हैं यू नो वो इंसान को हमेशा हर्ट uh, करती है और वेन आई यूज द वर्ड हर्ट दैट्स नॉट कि आपका फेलियर हुआ है हर्ट इज समथिंग जो आपको बहुत डीपली और डिमोरलाइज करता है जब आप अपने सीनियर्स अपने माँ बाप या इधर उधर से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और जब वो चीज़ें नहीं होती है गलती वो करेंगे हम सब ने की हैं बट जितना इसको जेन में रखेंगे उतनी कम गलतियाँ करेंगे ठीक नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्राम एनी बॉडी नंबर थर्ड वॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड एवरीबॉडी वुड से दैट नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड इवन इफ यूर डाउन एंड अबाउट नेवर थिंक दैट के अब नहीं हो सकता बहुत सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में, में आई हैं जहाँ मुझे लगता था अब नहीं हो सकता तभी करके दिखाया जब लोग कहते थे अब नहीं कर पाएगा अभी तक कर रहा हूँ आगे भी करके दिखाऊँगा अब सबसे ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि अब नहीं कर पाएगा बिकॉज उनको वजह भी पता है कि जब अब बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे अगेंस्ट यू नो एंड फॉर ऑल द रोंग रीजन्स आई नो मैं चुप हूं अल्लाह ताला ऐसी चीजें बदल देगा ऐसे मोमेंट्स लेके आएगा कि वही चीजें जो मेरे अगेंस्ट हैं वो सारी मेरे हक में हो जाएंगी अगर उसने करना होगा तो सो नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ ऑलवेज बी रेडी बी प्रिपेयर यू नेवर नो वट टूम अच्छा दिल तो जा रहे हैं और करते रहे बट थैंक यू सो मच मैन मेरी तो मतलब इस वक्त ये हो रहा है कि अभी मैं उठ के जिम चला जा रहा हूँ ऐसा क्या बिकॉज इसी मैं uh, जब मैं इंटरव्यू बता रहा था कि स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो होती है ना स्पिरिट का जिसम से कोई ताल्लुक नहीं होता जिसम टूट सकता है स्पिरिट नहीं टूट सकते एंड आई थिंक वट आई एब बिन हेरिंग टू डे व पैरम माउंट सॉर ऑफ वो कि एक इंसान जिसको इस वक्त वो उन उस गंद में अपने आप को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाह रहा जिसके बारे में लोग चाहते बातें करना है बहुत आसान है exactly. आज भी भी yeah. भी जब चाहे वो वो, वो चीजें आप कर कर सकते हैं मैं भी कर सकता और फिर आपको पता है इस माशरे में सपोर्ट भी मिलती है बिल्कुल नहीं करना यही सो so, वो ये जो गेम है ना कि इस वक्त एक इंसान अपनी वो ऑलमोस्ट मैं मैनिफेस्टेशन देख रहा हूँ कि ये हो रही है अल्लाह करे कि ये हमें इस वाली पॉडकास्ट uh, को हम साल बाद दोबारा से रिविजिट करें और देखें कि ये हो चुका हुआ है और ये काम हो रहा है और ये बंदा ने कैसे ये मैनिफेस्ट किया है सो द स्पिरिट दिस इज द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ शोमैन जो कि हम लोग कर ही नहीं सकते वर्बलाइज ही uh, नहीं कर सकते सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सपोर्ट जब भी यू you नो know, मैं आपसे मिलता हूँ really, really like you know, तो आप सबको you know, so आप अच्छे लोग जब कपड़े पहनते हैं ना तो ज्यादा मजा <laughs> भी आ जाता है तो uh, uh, so अगेन छोटा सा एक्स्ट्रो ही दूंगा क्योंकि अहमद ने सारी बातें वो जिस्ट Go away. Mm. Once your of exists, ना, तो आप मुझे ये लगता है कि हम हमेशा अपने पे काम कर रहे होते रात दिन गोल्स पे सो so अगर हम अपनी ऑप्शन निकाल दें ना जिंदगी में तो ख़त्म हो जाती है जैसे वो कह रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं है वो वो एक्सेप्टेंस का दरवाज़ा ही बंद हो जाता है बटन ही बंद हो जाता है कि यार मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मैं हारूंगा सो इफ योर दी ओनली चॉइस यू हैव इज़ टू सक्सीड देन ऑल यू विल डू इज़ वर्क टूवर्ड्स द गोल एंड इफ इवन इफ दैट गॉड फॉर बिट गॉड फॉर बिट आपका गोल नहीं भी पूरा होगा लाइक ई सेट कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज दैट दी ओनली थिंग यू कैन डू सो थैंक यू सो मच वैन टेक केयर खुदाफे बी पीसफुल एंड स्टे स्टॉक यू सुन